नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। उन्नाव और कठुआ गैंगरेप मामले के बाद देश भर में बवाल हो गया। इसी मामले का विरोध दर्ज करने के लिए सोमवार को तंबौर में एमए फिल्मी एंटरटेनमेंट के माध्यम से जनता को कस्बे की पुरानी बाजार में एग्जिट होने को कहा गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैंडल मार्च शाम 6:30 बजे कस्बे की पुरानी बाजार से बाबा बुढ़ान दीन चौराहे तक निकाला गया, जिसमें सभी छोटे बड़े एक साथ ही एकत्र होकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गैंगरेप के इस मामले में इंसाफ की आवाज़ लोगों ने उठाई। पुरानी बाजार से चलकर बाबा बुढ़ान दीन चौराहे पर कैंडल मार्च का समापन किया गया। हाथों में तख्तियां पकड़कर इसका विरोध दर्ज कर रहे थे। तख्तियों में इस प्रकार का लिखा हुआ था, शर्म से झुका है सिर इस चमन का, बेटियां मुल्क से बेआबरू हो रही हैं। आसिफा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा है। बलात्कारियों भारत छोड़ो जैसे तख्तियों को दिखाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर मौजूद मोहम्मद अकरम अंसारी, मैनेजिंग डायरेक्टर एमए फिल्म एंटरटेनमेंट के मोहम्मद जावेद असद, नगर उपाध्यक्ष छत्र सभा तंबौर शहनवाज खान, अक्लीम खान नगर अध्यक्ष अमीम तंबौर, मोहम्मद अकरम अंसारी के छोटे भाई समीर अंसारी, सैफी खान, पप्पूलाला श्रीवास्तव, नंदकिशोर नाग व हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे।